विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निस्त्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमेदं श्री दक्षिणा संभोगे विप्रलंबे निरुभयमभयं भाति भूपो परसानां विक्षेपे वा समारो विहरण निपुणा ब्रह्म विद्येव इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूता श्रीपूर्णानन्दतीर्थ पथि पथि पथिकान् नन्दयन् वं ब्रवीति ओ ज्ञान प्राप्त करते हैं नारद जी, उस ज्ञान का नाम है नार। नर नारायण का भी उपलक्षण है, तो नर नारायण से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान का नाम है नार। और उस ज्ञान को देते हैं नारद जी, दान करते हैं नारम ददाति। जो उस ज्ञान का दान करते हैं नारायण के द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान, उस ज्ञान का दान करने वाला नारद है। दूसरी विस्पत्ति इसकी ऐसी बताई थी, क्यों कहते हैं तो पढ़ते समय की याद है, नरस्य इदं नारं नर संबंध अज्ञानम दो वखंड में नारदा। नर के हृदय में जो अज्ञान बैठा हुआ है उस अज्ञान को जो दूर कर दे, नर के हृदय में जो अज्ञान, नर के नाम नारम नर संबंधी अज्ञान तत्क्रियति, उसको जो खंडित करे माने अज्ञान को जो मिटाए दे उसका नाम नारद। नार माने मनुष्य के हृदय में रहने वाला ब्रह्म परमात्मा साक्षात भगवान नराकृति परब्रह्म। नार माने नराकृति परब्रह्म, मुरली मनोहर पीतांबर भाई श्याम सुंदर नंद नंदन राधा रमण वृंदावन बिहारी भगवान, उनको जो जन जन के हृदय में स्थापित करे उसका नाम नारद। कहते हैं नारद जी ने कलयुग के प्रारंभ में एक प्रतिज्ञा की, तस्मि स्वाम स्थापयिष्यामि देहे देहे जने जने नते नाहम हरेर प्रातो लोके नक्षवाम प्रवर्तये। भक्ति के सामने नारद जी ने ये प्रतिज्ञा की कि हे भक्ति देवी, यदि मैं घर घर में और जन जन में तुम्हारी स्थापना न कर सकूं तो मैं भगवान का दास। माने नारद जी का ये संकल्प है कि सबके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गए। ये संकल्प नारद जी के मन में कहाँ से आया, इसका मूल श्रीमद् भागवत में है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया और सुना करके अंत में ये बात कही कि नारद तुम सबको भागवत का उपदेश को सुनाना, परंतु अपने मन में एक संकल्प रखना। क्या संकल्प रखना, यथा हरऊ भगवती
इंद्रणाम भक्तिर भविष्य सर्वात्मन यधारे इसी संकल्प वर्णय। सबके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो, ये संकल्प अपने मन में रखना। तो ब्रह्मा जी नारद के पिता भी हैं, नारद को शिक्षा देने वाले भी हैं और श्रीमद् भागवत का उपदेश करने वाले भी हैं। वो अपने पिता, अपने गुरु, अपने को भागवत धर्म का उपदेश करने वाले ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार नारद जी के मन में ये संकल्प रहता है कि सबके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो। श्रीमद् भागवत में अनेक स्थान पर नारद का वर्णन आया है और जहाँ जहाँ वर्णन आया है नारदा देव दर्शनाथ, नारद जी का विशेषण है, नारद जी कैसे हैं, जिसको नारद जी मिलते हैं उसको भगवान का दर्शन कराते हैं। हमारे कई मित्रों ने बताया जो भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, भक्ति के मार्ग में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनको नारद जी की कृपा से भक्ति के मार्ग में बहुत उन्नति प्राप्त हुई, उनका मन भगवान की ओर बहुत आगे बढ़ा। तो भक्ति के आचार्यों में नारद जी एक विशेष आचार्य हैं। प्रहलाद नारद पराशर सुंदरी व्यासांगरी सुख सौनक भीष्मदाल ज्ञान भीष्मान गदार्जुन परापराधीन एतान हम परम भागवतान नमामि। प्रहलाद नारद पराशर सुंदरी व्यासांबरी ये परम भागवत माने गए हैं। भक्ति के जो 12 आचार्य हैं स्वयंपूर नारदा का, उनमें नारद जी ब्रह्मा एक नंबर और दो नंबर के आचार्य, भक्ति के आचार्यों में 12 में से नारद जी महाराज हैं, ये भक्ति के आचार्य हैं। भागवत में 12 का उल्लेख प्राप्त होता है। अब देखो तो वेद में 3 कांड मानते हैं, एक कर्म कांड, एक उपासना कांड और एक ज्ञान कांड। इस तीनों कांड की मीमांसा करने के लिए 3 प्रकार के दर्शन प्रचलित हैं। कर्म की मीमांसा करने के लिए तो जरूरी है मीमांसा, कर्म मीमांसा हमसे प्रसिद्ध ही है, अकबर मीमांसा है और एक भारतवाद की भी कर्म मीमांसा है जो बहुत प्रसिद्ध तो नहीं है परंतु वो कर्म शास्त्र पर बहुत वैज्ञानिक विवेचन करती है। और ज्ञान कांड के संबंध में हमारा वेदांत दर्शन और सिद्धांत दर्शन दोनों वैज्ञानिक दर्शन है। व्यास दर्शन मुख्य रूप से शास्त्रार्थ का विचार करके प्रतिपक्षियों को पराजित करने के लिए और सिद्धांत दर्शन मुख्य रूप से ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया को सूचित करने के लिए। परंतु जो उपासना कांड है उससे 3 दर्शन आजकल उपलब्ध होते हैं। एक तो चांदी की चतुपुत्री भक्ति मीमांसा दर्शन उसे बोलते हैं और एक आंगिरक महर्षि अंगिरा का बौद्ध मीमांसा दर्शन बोलते हैं उसको, अथवा दैवी मीमांसा दर्शन बोलते हैं। और तीसरा ये नारदीय भक्ति सूत्र, ये 3 सूत्र ग्रंथ उपासना के संबंध में आज तक प्राप्त होते हैं। उनमें से चांदिल्य भक्ति सूत्र तो मुख्य रूप से प्रस्थानत्रयी का तात्पर्य
भगवत भक्ति में है ये बताता है। और दैवी मीमांसा दर्शन मन मध्य मीमांसा दर्शन ये बात बताता है कि युक्तियों और विज्ञान की दृष्टि से ही भगवान की भक्ति सर्वज्ञ है। ये नारदीय भक्ति सूत्र जो है इसकी पद्धति बड़ी विलक्षण है। ये न तो सांडिल्य भक्ति दर्शन के समान कठिन है और न तो दैवी मीमांसा दर्शन के समान युक्ति प्रधान है। ये तो बड़ा सरल सरल और मधुर मधुर ललित लगे। कोई अनपढ़ आदमी भी इसके सूत्रों को पढ़े तो उसका अर्थ समझ जाए और उसके हृदय में भक्ति भावना जागृत हो गए। तो ये 84 सूत्रों का एक नन्हा सा ग्रंथ है और ये कब प्रकट हुआ और कब बनाया गया इन सब बातों के बारे में तो प्राप्त नहीं होता है। खोज करने पर भी ज्यादा नहीं मिलता है, परंतु इसमें जो बात कही गई है वो बड़े काम की है और साधकों के लिए कल्याणकारी है। चिन्हन भक्त विशेषण स्पृहा गुण योग्या वचने विवस्थ। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो वचन में से गुण ले लेते हैं, इसकी खोज करने में नहीं लगते हैं कि ये किसने कहा किसने कहा किसने कहा। बात अगर साफ साफ समझ में आती हो तो हाथ कंगन को आरती क्या, अरे देख लो सोना है सोना है तो ठीक है, अब ये किस स्थान में से निकला और किस किस दुकान में हो करके तुम्हारे घर में पहुंचा, इस इतिहास का पता लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सोना ना, तो ये बिल्कुल खरा सोना है और इसमें जो बात कही गई है वो हमारे लिए बहुत कल्याण की है, इसलिए ज्यादा भूमिका न बांधे। अब आपको पहले सूत्र की व्याख्या सुनाते हैं। पहला सूत्र प्रतिज्ञा सूत्र है, जिसमें देवर्षि नारद ने ये प्रतिज्ञा की है कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। अर्थात भक्ति व्याख्या श्यामा, अब इसमें एक पद है अथ, दूसरा है अतः और तीसरा है व्याख्या श्यामा। एक एक पद का अर्थ देखो, जैसे अर्थ शब्द है, तो अर्थ शब्द जो है इसका तीन अर्थ है। एक तो अब ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है, आरंभवाची है अर्थ शब्द, किसी चीज के प्रारंभ में अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे ये अर्थ शब्द मंगलवाची है, मंगलवादी है जब कोई काम प्रारंभ करते हैं और उसमें अथ शब्द बोले तो मंगल होता है। मंगलादिनी मंगलमध्यानी मंगलांतानी शास्त्राणि प्रथमते, महाभाष्यकार ने कहा कि भाई ग्रंथ कोई प्रारंभ करो तो ये परिपाटी यही है, शिष्टाचार यही है कि आदि में मंगल मध्य में मंगल अंत में मंगल, मंगल होगा तो आगे बढ़ोगे, ये मंगल है। तो मंगल क्यों है, पहले मंगल इसलिए है कि ये भगवान का नाम है। भगवान के जो बहुत सारे नाम हैं उनमें ओम और अथ ये दोनों भगवान के पवित्र नाम है। बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो इन सूत्रों की व्याख्या की है तभी ये सर्वत्र के नाम से, ये नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है, उस व्याख्या का नाम है तभी ये सर्वत्र। तो एक प्रत्येक सूत्र में ओम अर्थात ओ भक्ति व्याख्या श्याम ओम
सात्मिन परम प्रेम रूपा ओम अमृत स्वरूपा जो प्रत्येक सूत्र के प्रारंभ में ओम लगा करके बोलते हैं और अनुवाद का भेद कर दिया है। प्रथम अनुवाद, द्वितीय अनुवाद, तृतीय अनुवाद, जो भेद में अनुवाद होता है वो ऐसे अनुवाद उन्होंने इसमें रखा है। तो अर्थ शब्द जो है वो भगवान का नाम है। ओंकार ब्रह्मण पुरा कंठम विश्वादिता उभ। ब्रह्मा जी पैदा हुए ना नारायण के, नारायण के नाभि में से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी हुए, क्योंकि जब नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो माँ बाप दोनों एक में मिले हुए थे नारायण हो, है ना। तो नारायण की तस्वीर हम लोग देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो छोटे छोटे होंगे। तो असल में समझो कि ये जो आकाश है ना, आकाश जिसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे ये सब माना जाता है, दिशा का भेद होता है। तो ये जो आकाश है इसका नाम है संस्कृत में नाभि, नभ, नभ है ना, और नभ एवं नाभि। नारायण के स्वरूप में जो नाभि है ना वो नभ है और उसमें ये चतुर्दश भुवनात्मक जो ब्रह्मांड निकलता है ये कमल है, चतुर्दश भुवनात्मक लोक पद्म है, और इसमें जो अंतःकरण है उस अंतःकरण में सन्निविष्ट जो चेतन, उस चेतन को बोलते हैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा कभी जीव भी तपस्या के बल से ब्रह्मा होता है और कभी ईश्वर स्वयं ब्रह्मा के रूप में अवतीर्ण होता है। तो नवद्यूह में जिस ब्रह्मा की आराधना होती है वो ब्रह्मा ईश्वर रूप होता है और कभी कभी ब्रह्मा जो है वो जीव भी उपासना के उत्कर्ष से ब्रह्मा हो जाता है। तो ये जब ब्रह्मा जी निकले तो ब्रह्मा जी के मुंह से जो पहला शब्द निकला वो ओम अथ, ओंकार अथ शब्द से पूरा एक ब्राह्मण पूरा कंठम विश्वा विनिल जाओ। ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके ये दो शब्द निकले, तेन मांगलिका उभौ। अब इसलिए जो ब्रह्मा जी की संतान है वो जब कोई काम करे, जब वो पहले प्रातः काल उठ करके बोलना होवे तो पहले ओम अथ करके बोले, माने भगवान के नाम का उच्चारण करके बोले, ये बड़ा मांगलिक है। मालवीय जी महाराज तो ऐसा कहते थे कि जब घर में बालक होवे तो नालक छेदन के पूर्व, वो जो नाल काटते हैं ना, उसके पहले बालक की जीभ पर शहद से राम लिख दो। ऐसा संस्कार डालो भगवान का, ऐसा नाम, ऐसा संस्कार डाले कि बड़ा होने पर भी वो ईश्वर को माने, धर्म को माने, शास्त्र को माने, क्योंकि जीवन के प्रभात में जो संस्कार पढ़ते हैं प्रातः काल, जैसे प्रतिदिन प्रातः काल जैसा संस्कार पढ़ता है वैसा समय बीतता है। और कभी कभी सुबह उठते हैं तो सर्वधर्मान महाम एकम शरणम वज ब्रज पहले आगे चौपाई है, अब दिन भर याद आती होती है। ऐसे बच्चे के जीवन में प्रारंभ में जो संस्कार पड़ जाता है उसका प्रभाव रहता है। तो ब्रह्मा जी के बचपन का संस्कार ये है, सर्वप्रथम संस्कार कि उन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया था। अब ब्रह्मा जी के बेटे हुए नारद और उनको भक्ति सूत्र बनाना हुआ तो भक्ति सूत्र के प्रारंभ में उन्होंने अर्थ शब्द का प्रयोग किया। तीसरा अर्थ होता है अर्थ शब्द का आनंदन, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में भगवान शंकराचार्य कहते हैं
श्रम समाधि संपत्ति का साधन चतुष्टय का आनंतर्य अर्थशब्द का अर्थ है। तो अब यहाँ आनंतर्य क्या होना चाहिए? यदि कहो कि जिसको श्रम समाधि संपत्ति प्राप्त हो वो जैसे ब्रह्म ज्ञान का वेदांत विचार का अधिकारी होता है, वो जो श्रम समाधि से संपन्न अधिकारी जो है वो भक्ति दर्शन का अधिकारी है, तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि भक्ति जब आती है तब हृदय शुद्ध हो जाता है। पहले हृदय शुद्ध हो जाए तब हम भक्ति करेंगे। अगर इस प्रतीक्षा में बैठे रहोगे तो भक्ति आएगी नहीं। भक्ति तो हृदय शुद्धि का साधन है। जब हम दूध पीने लायक हो जाएंगे तब माँ आके हमें दूध पिलावेगी, ऐसा मत सोचो, है ना? जब हमारी आँख बंद है, हम हाथ हिला नहीं सकते, मुंह खोल नहीं सकते, उसी समय माँ हमें अपने जेब में उठा लेती है और हमारा मुंह खोल के जबरदस्ती उसमें अपना तन डाल के थोड़ा दूध भी दबा देती है कि जिससे बालक को दूध का स्वाद आवे और वो दूध पीने लगे। इसी प्रकार जिस समय मनुष्य नितांत अयोग्य रहता है, उसकी जाति भी अच्छी नहीं है, उसका आचरण भी अच्छा नहीं है, उसका ज्ञान भी अच्छा नहीं है और उसका अंतकरण भी शुद्ध नहीं है, उसी हालत में भक्ति माता धीरे 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 जीवन में प्रवेश करती है और जैसे माँ आके अपने बच्चों के शरीर में लगा मल धो देती है ना, वैसे ही भक्ति माता हृदय में आकर के अधिकारी के हृदय का मल धोती है, शुद्ध करती है, उसमें से काम को क्रोध को लोभ को मोह को मिटाती है, भगवत आकारता का आह्वान करती है, भगवान से मिलाती है। इसलिए ये मत कहो कि समाधि संपत्ति पहले प्राप्त होगी और भक्ति बाद में, बल्कि जब भक्ति प्राप्त होगी तो सारे सद्गुण तुम्हारे जीवन में स्वयं आवेंगे। यस्या श्रीभक्ति भगवत्य किंचना स्वर्गुण तत्र समापते पुरा हरावभक्त ऋतो महद्गुणा मनोरथे नाशति भावती। जिसके हृदय में भगवान की निष्काम भक्ति आती है, संपूर्ण सद्गुणों के साथ देवता लोग उसके हृदय में आकर के निवास करते हैं, तो आनंद सर्ज किसका? तो कहते हैं कि देवर्षि नारद जी ने पहले धर्मशास्त्र विषय निरूपण किया। नारदीय मनुस्मृति प्रसिद्ध नारद स्मृति भी है और नारदीय मनुस्मृति भी है ना, जैसे आजकल जो मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध स्मृति है वो भार्गव स्मृति है, माने ऋग्वादि ऋषियों ने मनु से धर्म की शिक्षा लेकर के मनुस्मृति का उपनिबंधन किया। और एक नारदीय मनुस्मृति है और दूसरे नारद स्मृति भी है, वो धर्म शास्त्र का प्रणयन किया नारद जी ने, उसके बाद उपासना शास्त्र का नारद पंचराष्ट्र क्रिया योग प्रधान, तो धर्म का अनुष्ठान कैसे करना ये नारद जी ने बताया और उपासना भगवान की कैसे करना ये भी नारद जी ने बताया। अब कहते हैं कि प्रेम प्रधान भक्ति का निरूपण करने के लिए जो इतर साधन निरपेक्ष है, प्रेम रूपा है ना, प्रेम रूपा भक्ति का निरूपण करने के लिए जिसमें बहुत कर्मकांड की भी जरूरत न पड़े, बहुत क्रिया योग करने की भी जरूरत नहीं पड़े, जिसमें भाव से ही मनुष्य का कल्याण हो गए, ऐसी भक्ति का निरूपण करने के लिए अर्थ का अर्थ धर्म का और उपासना का निरूपण करने के अनंतर भाव के द्वारा परमात्मा से जुड़ने के लिए भगवत भक्ति का निरूपण करना है, इसलिए केवल की नारद अर्थ शब्द का प्रयोग करके धर्म और उपासना
के निरूपण के अनंतर भक्ति का निरूपण करते हैं, इसलिए अपशब्द शब्द का प्रयोग करते हैं। अब दूसरे शब्द को ले, दूसरा शब्द है अतः। तो ये जो गीता प्रेस के छोटी पुस्तक छपी है ना, नारद भक्ति पुत्र, इसमें अतः शब्द का अर्थ सीख गया है। ये प्रेम दर्शन है ना, बड़ी जो पुस्तक है उसमें तो अतः शब्द का अर्थ दिया हुआ है विस्तार से, लेकिन छोटी पुस्तक में जो छोटा अर्थ दिया हुआ है ना, उसमें अतः शब्द का अर्थ छूट गया है। तो अतः शब्द का भी दो अर्थ है, अतः कारणार्थ और अतः प्रयोजनार्थ। तो ये कारण और प्रयोजन माने, कारण यहाँ है जहाँ हम लोग हैं संसार में, संसार में हम लोग फंसे हुए है ना, बिना भक्ति का तो कोई रह नहीं भाई, कहीं न कहीं राग सभी का है, कोई पत्नी भक्त है, कोई पति भक्त है, कोई धन भक्त है, कोई कुटुम्ब भक्त है, कोई ग्राम भक्त भी होता है, कोई राष्ट्र भक्त भी होता है, कोई मातृभक्त पितृभक्त भी होता है, हृदय में भक्ति तो रहती ही है। अब ये देखो कि क्या जो धन का भक्त है उसके हृदय में शांति सुख है, क्या जो कुटुम्ब का भक्त है, देह का भक्त है, उसके हृदय में क्या सुख शांति है। तो अतः का अर्थ हुआ कि संसार में भूमि आओ पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत बिना भगवत भक्ति के सच्चे सुख और सच्ची शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः भक्तिं व्याख्यास्यामः, इसलिए हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। देखो संसार में जो भी चीज है वो एक भाग दौड़ में है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भागती रहती है। तुम्हारे हाथ में जो आज नोट आया है वो कितनी जगह दौड़ करके, भाग करके, कितनी दुकानों की खाक छान करके आज आया है, और कल कितन कहाँ जाएगा उसका कुछ पता नहीं है। तो संसार की सभी चीजें देश में, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, कुछ टिकाऊ नहीं है, न दिए की लौ टिकाऊ है, न नदी की धारा टिकाऊ है, न फल टिकाऊ है, न हमारी जवानी टिकाऊ है, न धन टिकाऊ है, न विद्या टिकाऊ है, न बुद्धि टिकाऊ है, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब दृष्ट नष्ट है। दिखा और नष्ट हुआ, यह दृष्टम तन नष्टम, जो दिखा वो नष्ट हुआ, जो आता है वो जाता है, जो परा जो धरा, जो बड़ा जो घुटाना, दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब एक से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और दूसरे समय में हो क्षणिक है, सीज रहा है, जल रहा है, घिस रहा है, मौत की ओर जा रहा है, काले बाल सफेदी की ओर जा रहे हैं, चमकता हुआ चेहरा गुर्दियों की ओर जा रहा है, है ना? ये मजबूत दांत, मजबूत दांत हिलने और टूटने की ओर जा रहे हैं। तो काल में भी संसार की सारी वस्तुएं बदल रही हैं, देश में भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और यदि परिच्छिन्न रूप में हम उनके स्वरूप का निरूपण करना चाहें कि ये क्या है, कुछ नहीं कह सकते। जो गेहूं है वो तना हो जाता है, और जो तना है वो गेहूं हो जाता है, जो बाप है वो बेटा बन के रह गया, और जो बेटा है वो बाप हो गया, या इस तरह से दुनिया अपने स्वरूप को छोड़ती जा रही है। तो सारी सृष्टि महत्वान है, भक्ति रेवैनम नयति, वेद में मंत्र है भक्ति रेवैनम नयति। बोले भाई ये जीव भगवान के पास कैसे पहुंचे, कौन सा विमान है, कौन सी मोटर है,
जिसके सहारे ये जीव भगवान के पास पहुंच सके, बोले भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति ही इस जीव को ईश्वर के पास ले जाती है। माने जीव और ईश्वर के बीच में जो दूरी है उस दूरी को भगवत भक्ति मिटा देती है। भक्ति रेवैनम नयति अथवा एनम परमात्मानम भक्ति रेव नयति जीवम प्रापयति। जीव तो बेचारा विवश देह में मैं करके बैठा, देह के संबंधियों को मेरा करके बैठा, ये तो परमात्मा के पास जाने से रहा, ये तो जाने को तैयार ही नहीं है ईश्वर के पास, ईश्वर के पास जाने को तैयार नहीं। कहते हैं एक संसारी ने आकर के एक महात्मा को प्रणाम किया, तो महात्मा ने भी संसारी को प्रणाम किया। तो संसारी ने पूछा, महाराज आप क्यों प्रणाम करते हैं हमको? बोले तुम हमको क्यों प्रणाम करते हो? बोले आप त्यागी हैं महाराज इसलिए प्रणाम करते हैं, और तुम त्यागी हो इसलिए हम तुमको प्रणाम करते हैं। बोले हम कैसे त्यागी हैं, आप कैसे त्यागी हैं? बोले आपने तो संसार छोड़ दिया। बोले कि संसार बड़ा कि भगवान बड़ा? बोले भगवान बड़ा महाराज। बोले कि मैंने तो छोटी सी चीज संसार छोड़ी है और तुमने तो बड़ी सी वस्तु, जो सबसे बड़ी वस्तु भगवान, उसका त्याग तुमने किया है, इसलिए मुझसे भी बड़े त्यागी तुम, हम तुमको प्रणाम करते हैं, है ना? कहते हैं कि जब नृसिंह भगवान प्रहलाद जी के सामने प्रकट हुए तो प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज मेरे मन में ये भाव उदय हो रहा है कि ये जो संसार में दुखी जीव है इनको छोड़ करके मैं अकेला मुक्ति स्वीकार न करूं। भागवत में आया नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एकः, इन बिचारे गरीबों को छोड़ करके मैं अकेले आपके वैकुंठ में जाना पसंद नहीं करता, चलेंगे तो सब चलेंगे। तो नृसिंह भगवान को हंसी आ गई, बोले कि भाई चलना चाहे तब ले चले कि जबरदस्ती ले चले। तो प्रहलाद जी ने कहा, नहीं महाराज, बोला आपके धाम में कौन चलना नहीं चाहेगा, सब चलना चाहेंगे, आप सबको ले चलो। बोले अच्छा पूछ जाओ। अब प्रहलाद जी जो गए पूछने के लिए तो कोई चलने को तैयार नहीं। बोले अभी तो हमें कारखाना खोलना है, क्या अभी तो हमको बड़ा धन कमाना है, बड़े बड़े भोग भोगने हैं, क्या अभी तो हमको विलायत जाना है? फुर्सत नहीं महाराज। जब कोई जीव नहीं मिला प्रहलाद जी को तो बड़ी शर्म आई कि भगवान के पास ऐसे कैसे जाए। एक सूअर के पास गए, बोले भाई तू भगवान के धाम में चलेगा? तो वो बोला कि भगवान के धाम में क्या है, तो बड़ी शांति है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, वहाँ तो सब प्रकाश ही प्रकाश है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, चलो वहाँ। बोले कि अच्छा बहुत आनंद हो तो चलने के लिए तैयार है, पर हमारी घरवाली, बोले उसको भी ले चलो। बोले सर तो हमारे लड़के बच्चे का उनको भी ले चलो। अच्छा चलो सब पूछ ले सबसे। अब वो अपने घर में गया, पंचायत हुई, उसने कहा कि बैकुंठ में बड़ा आनंद बड़ा प्रकाश, तुम सब लोग चलो। तो घर वाली ने कहा कि आनंद होगा सो तो ठीक, प्रकाश होगा सो ठीक, खाने पीने की जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर रहती है ना, ये पूछे प्रहलाद जी से कि हमारा जो भोजन है यहाँ का वो वहाँ मिलेगा? अब प्रहलाद जी ने कहा कि अरे बाबा बैकुंठ में उसका क्या काम? तो बोले कि तब हम बैकुंठ में नहीं जाएंगे। तो ये लोगों की स्थिति है। तो वेद भगवान ने कहा कि अच्छा भाई तुम भगवान के पास नहीं जाना चाहते तो हम एक ऐसी युक्ति बताते हैं तुमको कि स्वयं भगवान ही तुम्हारे पास आवे। बोले भगवान हमारे पास आ जाएं तो क्या बात है, है ना? फिर तो हम व्याख्यान में कहा करेंगे कि एक दिन हमारे घर में प्रधानमंत्री आए थे, एक दिन राष्ट्रपति आए थे, एक दिन भगवान भी हमारे घर आए थे,
है ना, हम लोग अपना परिचय देते हैं ना, वैसे परिचय देते हैं वो कि फलाने 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 हमारे घर आए थे। अरे कितने साधु हमारे घर आ चुके हैं हमारा, हाँ आप कोई पहले पहले आज थोड़े ही आए बोले आओ भगवान को ही तुम्हारे घर ले आवा, तो भगवान को ही आवेंगे। तो भक्ति रेव एकदम नयति, भगवान को अपने घर बुलाने का साधन है भक्ति। भक्ति ही विमान बन करके भगवान को हमारे घर ले आती है। भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति रेवैनम गमयति, भक्ति ही भगवान का ज्ञान प्राप्त कराती है। भक्ति वशः पुरुषा, परमात्मा भक्ति के अधीन है। भक्ति रेव भूयति, भक्ति ही सबसे बड़ी है। सुकृति भगवती कहती है भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति रेवैनम गमयति, भक्ति वशः पुरुषा, भक्ति रेव भूयति, भक्ति ही बड़ी है। बोले फिर ये भक्ति है क्या? तो भक्ति की व्याख्या भी तरह तरह से लोगों ने की। तो नारद जी ने कहा कि तरह तरह से लोगों ने भक्ति की व्याख्या की है, किसी ने शास्त्रीय, किसी ने अशास्त्रीय, किसी ने मनमौजी कर दी। तो असल में वेद शास्त्र पुराणा भी पांचरात प्रतिभिन देना अकांति की हरेर भक्ति ही उत्पाता यही केवल। पद्म पुराण में श्लोक आया है कि जो भक्ति वेद शास्त्र पुराण इतिहास पंचरात्र के विरुद्ध होती है उस भक्ति से केवल उत्पाद ही उत्पाद होता है, भगवान नहीं मिलते हैं। तो भक्ति तो होनी चाहिए बिल्कुल शास्त्रीय शास्त्रोक्त रीति से होनी चाहिए, पर भक्ति के नाम पर तो लोगों ने बड़ा पाखंड बड़ा आडम्बर फैला दिया। बोले अतो भक्ति व्याख्या महा, इसलिए अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। अतः माने इसलिए भक्ति के संबंध में नाना प्रकार के पाखंड मत भी प्रचलित हो गए, तो नारायणीय भक्ति वैदिक भक्ति शास्त्रीय भक्ति को प्रकट करने के लिए अब भक्ति के व्याख्यान की आवश्यकता है। अब देखो भक्ति क्या है, भक्ति व्याख्या। तो भक्ति शब्द जो है ये भजनम भक्ति, भागो भक्ति, भंजनम भक्ति, भंजनम भक्ति, भंजो आमर्दने से भी भक्ति शब्द रखता है, व्यंजनम भक्ति, रंजनम भक्ति, भंजनम भक्ति। तो भक्ति जो है, भक्ति एक तो है भजन, भगवान के भजन का नाम भक्ति है। ये भजन क्या है? गोपाल तापनी उपनिषद में ये प्रश्न उठाया है, हो किम नाम भजनम, भजन किसको कहते हैं? जैसे बच्चे प्रश्न करते हैं ना, किम नाम भजनम, भजन क्या है? भजनम नाम रसनम, भजन माने रस लेना, स्वाद लेना। आप देखते हैं ना, बैल कभी खूब भर पेट खा लेता है तो पहले से जल्दी जल्दी खा लेता है, और खाने के बाद आनंद से बैठता है, और खाई हुई चीज को मुंह में ला ला करके पागुर करता है। पागुर बोलते हैं उसको हिंदी में, जुगाली करता है, पागुर करता है, और उससे खूब खूब कुचल कुचल करके और पीस पीस करके और स्वादिष्ट बनाए बनाए करके पेन बनाए बनाए करके उसका रस लेता है। तो भजन करना क्या है? बोले तुमने कभी भगवान की लीला कथा सुनी है कि नहीं? कभी सत्संग किया है कि नहीं? कभी महात्माओं का उपदेश किया है कि नहीं? तो वो तो जैसे जैसे कोई गुस्त खाया हो जल्दी जल्दी ध्यान में भर लिया है, अब जो उसके संस्कार तुम्हारे हृदय में बैठे हैं खूब आनंद से बैठ जाओ, और बैठ करके उन संस्कारों को, उन स्मृतियों को, उन याददाश्तों को जो पहले की सुनी है ना, उनको जगा जगा करके उनका मजा लो। इस मजा लेने का नाम भक्ति है ना, भजनम नाम रसनम, इसका नाम भक्ति है।
बोले भक्ति शब्द दूसरा क्या था भाग, भाग माने अंश। ये जैसे घर में चार भाई हो गए और बंटवारा हो जाए तो क्या बोलते हैं, ये इनका भाग है, ये इनका भाग है, ये इनका भाग है, है ना। तो भगवान का भाग हो जाना इसका नाम भक्ति है। तुम किसके भाग हो, तुम किसके भाग हो, तो तुम भगवान के हिस्से में आ गए कि नहीं। अपने को भगवान के हिस्से में कर देना, संसार के संबंधियों के हिस्से में नहीं करना, धन दौलत के हिस्से में नहीं करना, घर द्वार के हिस्से में नहीं करना, अपने को भगवान के हिस्से में कर देना, इसका नाम भक्ति है। और भंजनम भक्ति, भंजनम माने ये जो संसार के दुख है, राग द्वेष आदि है, अविद्यादि क्लेश है, इनको रौंद डालना महाराज, ऐसा तोड़ डालना कि ये फिर अपने को छू नहीं सके, उसका नाम भक्ति। तो भक्ति की व्याख्या भी तरह तरह से की हुई है, आपको सुनाने लग जाए तो ऐसा समझो कि श्रीमद् भागवत में ही भक्ति की जो परिभाषाएं बताई गई हैं, जगह जगह देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रवित कर्मणाम सत्व एवैत मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुजा अनिमित्ता भागवती भक्ति सूत्रेर करीयसी चरयत्यासु जाकोषाम निगीर्ण मनलो यथा। पहले जैसा गुरु से, शास्त्र से, संप्रदाय से सुना गया है उसके अनुसार अपनी इंद्रियों को चलाना। देवानाम गुणलिंगानाम, ये हमारे साथ जो देवता लगे हुए हैं, आंख रूप देवता, कान रूप देवता, नाक रूप देवता, जीभ रूप देवता, ये संसार के भीतरों में ले जाते हैं। जीभ कहती है कैसा स्वाद है देखो तो, कान कहता है कैसा मधुर संगीत है, आंख कहती है कैसा बढ़िया रूप है, ये खींच के ले जाते हैं। तो इनको क्या करना, इनसे कहना कि हमारे गुरु शास्त्र ने जितना देखने को कहा है उतना ही देखो, उतने ही सुनो, उतने ही सुनो, उतने ही खाओ, उतने ही सुनो, है ना। वेद शास्त्र गुरु की आज्ञा के विपरीत तुम लोग अपना काम बंद करो। इस तरह से करने से क्या होगा, जीवन में सात्विकता बढ़ेगी, मन में एकाग्रता आएगी, कामना निकलेगी, भगवान में मन लगेगा, और जब भगवदाकार वृद्धि होगी तो जरयत व्यासुजा को निगीर नमन लो यथा, वो पंचकोश को भस्म कर देगी, जैसे खाए हुए को अग्नि बता देती है और मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसका नाम भक्ति है, इसका नाम भक्ति है। बोले दूसरी जगह बताया, मत गुण श्रुति मात्रेण मई सर्ग गुहा कहे मनोगति रिच्छिन्ना यथा गंगा भगो बुधौ लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य सुराहृदाम। भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करते करते आंखों में आए आंसू, शरीर में हुआ रोमांच, कंठ हुआ गदगद, हृदय पिघला और पिघल करके भगवदाकार हो गया, जैसे गंगा जी की धारा समुद्र में गिरती है, ऐसे अपने हृदय की अखंड धारा भगवान में गिरने लगी। मन कितने संकल्प उठते हैं भगवान के लिए, मन में क्या आता है, एक बार आया कपड़ा और एक बार मकान है, और एक बार रुपया और एक बार रिश्तेदार, ऐसे आता है ना मन में। तो इसकी जगह मन में पैसे आवे तो हर बार घरे की जगह भी भगवान, मकान की जगह भी भगवान, कपड़े की जगह भी भगवान, रिश्तेदार की जगह भी भगवान, रुपए की जगह भी भगवान, बारम्बार अपने संकल्प में है ना, अपने संकल्प में बारंबार भगवान का ही उदय होवे, बार बार मुरली मनोहर एकांबारी राम सुंदर वृंदावन बिहारी नंद नंदन राधा रमण की पूर्ति अपने हृदय में बारंबार होने लगे। समझो कि अब हमारे चित्त की धारा भगवान की ओर प्रभावित हो गई, इसका नाम भक्ति है। यही भक्ति वासनाओं को मिटाती है, यही संसार के राग द्वेष को निवृत्त करती है। तो ये भक्ति
वेदों में इसकी महिमा का वर्णन है। भाग शब्द से वेदों में मंत्र संहिताओं में भाग शब्द से भक्ति का वर्णन है। उपनिषद में उपासनाओं का वर्णन है, उपास्य के नाम से भक्ति का वर्णन है। श्वेता परिषद में प्रकाशन्ते महात्मनः, परमात्मा में जिसकी सच्ची भक्ति है और जैसी भक्ति परमात्मा में है वैसी गुरुदेव में है, दोनों में समान भक्ति जिसकी है वो उपनिषद में कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर सकता है। अर्थ स्वयं उसके प्रति प्रकाशित होते हैं, उसके हृदय में आकर के उपनिषद के अर्थ प्रकट होते हैं। तो इसका नाम भगवत भक्ति, बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु। अब इसकी व्याख्या करना, व्याख्या क्या है? व्याख्या श्यामा है, बी आ और क्या श्यामा, बी माने विशेष रूप से और आ माने पूर्ण रूप से, बोला, और क्या श्यामा माने जाहिर करना, विशेष रूप से संपूर्ण रूप से माने विशेषतया भक्ति की जो विशेषता है वो बता देंगे और संपूर्ण रूप से जाहिर करेंगे। क्या श्यामा माने ख्यात करेंगे, ख्याति करेंगे, ये भक्ति ख्याति है, बोला, ये भक्ति ख्याति है, इसमें भक्ति को विख्यात करेंगे, जाहिर करेंगे कि भक्ति क्या होती है। तो ये प्रतिज्ञा सूत्र, ये प्रतिज्ञा सूत्र हुआ, माने हमें धर्म की व्याख्या तो कर चुके हैं और ज्ञान की व्याख्या भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब विशेष करके शुद्ध भक्ति, विशेष करके का अर्थ है शुद्ध भक्ति, माने ज्ञान कर्माद्यनावृत जो भक्ति है, ज्ञान कर्माद्यनावृताम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रोत्तमा। कोई कहते हैं कि भक्ति क्या है, बोले भगवान का भजन करना, बोले भगवान का भजन करना तो भक्ति है ही, भगवान के प्रति ममता भक्ति है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति रित्युच्यते भीष्म प्रहलादो भव नारदई, भगवान के प्रति ममता, जैसे अपने पति को मेरा समझते हो, अपने पुत्र को मेरा समझते हो, अपने पिता को मेरा समझते हो, जैसे अपने शरीर को मेरा समझते हो, उस मेरा की लिस्ट में भगवान को डालो। अगर 100 तुम्हारे मेरे हैं, तो एक से एक कर दो, एक भगवान को भी मेरा मानो, और ये भगवान के प्रति ऐसी ममता बढ़ेगी कि ये तो महाराज चिगुनी पकड़ के पहुंचा पकड़ना जैसे बोलते है ना, तुम उनको जरा सी जगह दोगे तो वो भिक्षु पाद प्रसारण न्याय से, है ना, जैसे महाराज भिखारी जहाँ बैठा धीरे धीरे पांव फैला के, है ना, एक भिखारी आया, बोले जरा हमको बैठ जाने दो, बैठ गया महाराज, बैठ गया तो थोड़ा तो बैठे कब तक रहेंगे, पांव फैलाएंगे, जब पांव फैलाया तो बोले सालग्राम की पूजा करनी है, पिटारी रखेंगे, है ना, बोले उसके लिए तुलसी का पत्ता चाहिए, बोले धूप में कैसे बैठेंगे, पत्ता लगा लेंगे, है ना, अब रात को सो जाएंगे और थोड़े दिनों में चबूतरा बन गया हो और बाद में तो महल बन जाता है वहाँ, तो इसको भिक्षु पाद प्रसारण न्याय बोलते हैं। तो ये भगवान जब हृदय में आते हैं ना, जब भगवान हृदय में आते हैं तो पहले तो जैसे एक चिंगारी हो, जैसी आग की जरा सी चिंगारी चमके वैसे चमकते हैं, फिर जुगनू की तरह चमकने लगते हैं, बोला, जैसे जुगनू का जुगनू कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है, कभी उसके बाद दिए की लौ की तरह प्रज्वलित होने लगते हैं, उसके बाद मणि की तरह बैठ जाते हैं, बोला, और उसके बाद तो निकाले भी नहीं निकलते हैं, अपनी आत्मा से विभक्त करके बैठ जाते हैं। तो उनकी भक्ति, ये भक्ति क्या होती है, कैसी होती है, ये प्रसंग फिर आपको